दी से भाई शिवा पांडे, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। अमरजीत दुबे जी ठीक है, ओके। अब तो दुबे जी कहने में भी गड़बड़ होता है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा ना बोला करो भाई, दुबे जी को लोगों ने बदनाम कर दिया काफी। एक्सरसाइज 9.2 होगा। सभी बुक लिए हो? किताब सभी लिए हो ना? रोज मैं पूछता हूँ इसलिए कि किताब लेके आना, कक्षा 9 में अगर पढ़ना है तो बिना किताब के काम नहीं बनेगा, एनसीईआरटी वाली किताब। रश्मि कुमार ठीक है, रश्मि नाम है आपका, ठीक है, ओके है, ओके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है साथियों, कल मैंने 9.1 पढ़ा दिया था, 9.1 में एक ही प्रश्न था, आज 9.2 पढ़ेंगे, ठीक है। विशाल सिंह जी बिल्कुल ठीक है, आज 9.2 पढ़ेंगे। 9.2 में बच्चा 6 सवाल हैं, इसमें कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न हैं इसमें, ठीक है। मृत्युंजय भरद्वाज जी ठीक है, चलो फिर हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज कौन सा है यहाँ पे नोट कर लो, एक्सरसाइज 9.2 क्लास 9th। ये सभी बोर्ड के लिए है, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी बच्चों के लिए है जो भी 9th में पढ़ते हैं। अब ध्यान देना क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक फिगर, ठीक है। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। चित्र कहाँ, इधर साइड बना दें या उधर? इधर बना दें अच्छा रहेगा ना, यहाँ दिख तो रहा है। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम चित्र बना देंगे। आप सभी अच्छा ये बताओ कौन कौन किताब लिया है एनसीईआरटी वाली, बोलो यस। एनसीईआरटी वाली किताब लिए हो तो बोलो यस, दिख रहा है यहाँ तक, ओके। बुक लिए हो ना भैया एनसीईआरटी वाली कि नहीं? देखो किसी स्टेट की एनसीईआरटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, आपकी जो मुख्य एनसीईआरटी की बुक है वो आपके पास होनी चाहिए। ऐसे बनना है ना चित्र आपकी बुक में, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन है ऐसे ही। ये लो बन गया कि नहीं? हंसराज ठाक ठीक है, ठीक है, ठाक ठीक ठाक है, ओके गुड। चलो तो इनके नाम रख दो ए बी और सी डी, ठीक है। तो बच्चे इनके नाम क्या हैं, ए बी सी और डी? आपको पता है ये क्या है? ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज है, और जहाँ पर ये रेखा आके मिलती है इसका नाम ई है, इसका नाम क्या है? एफ है। इतना ठीक है, सबको क्लियर है? जसविंदर सिंह, चंदा देवी, रजक, चांदनी कुमारी भाई, ये सब अलग अलग हैं। तो इतना ठीक है, मैंने क्या किया अभी? कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ किताब से चित्र बनाया है बस यहाँ बोर्ड पर, आप लोग भी बना लो। कॉपी और पेन लेके बैठना किताब के साथ में अगर पढ़ना है सही सही, नहीं क्लास में नहीं बैठने देंगे हम, फालतू यहाँ पे वैसे मजाक करने नहीं आना है, पढ़ना है ईमानदारी से, ठीक है। क्वेश्चन आसान भी नहीं है इतने, 9 चैप्टर चल रहा है, 1 जुलाई से पहला अध्याय चलेगा। जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं सुन लें, 1 जुलाई से शाम 7 बजे से पहला अध्याय चलेगा, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1, ठीक है। तब तक हम ट्रायल करते हैं कि सभी बच्चों को आप बता दो कि भाई 1 जुलाई से चलेगा, सभी आ जाएं, टाइम जान जाएं। 1 जुलाई को 100-200 बच्चे कम से कम होने चाहिए लाइव में, उससे कम नहीं। सबको शेयर कर दो जितने आपके साथी हैं, सबके साथ आना है आपको 1 जुलाई को, ठीक है। हाँ चलें फिर, पूजा यादव ठीक है। तो ये मैंने चित्र बना लिया, अब चलो क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। जो भी एनसीईआरटी की बुक लिए हैं वो क्वेश्चन पढ़ें। कह रहा कि आकृति 9.15 में, 9.15 में का मतलब ये है कि किताब में बहुत सारे चित्र बने होते हैं तो उनकी नंबरिंग की होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको 9.15 चित्र नंबर कहा गया है। इसमें कह रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता भैया पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या होता है? पैरेललोग्राम, यही होता है ना, पैरेललोग्राम। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। इसमें कह रहा है ए ई परपेंडिकुलर डी सी, ये आपके चित्र में कह रहा है ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? डी सी पर। ए ई मतलब ये भुजा, ए ई लंबवत है किस पे? डी सी पर। भाई है ही सिंपल सी बात है,
ए ई ऐसे आई है, डी सी ऐसे में थी, तो ये ऐसे मिल रही ना, इस पे परपेंडिकुलर हो रही ना। ठीक है, आगे कह रहा कि सी एफ परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है ए डी पर। सी एफ किस पर लंबवत है? ए डी पर। अब मुझे बताओ सी एफ कहाँ है? सी एफ कहाँ है, कहीं दिख रही तुम्हें? सी एफ क्या है? परपेंडिकुलर है, लंबवत है, किस पर है? ए डी पर है। तो बच्चा सी एफ सिंपल सी बात है, दिख रही है ए डी पर। हाँ, सी एफ भी क्या है? ए डी पर परपेंडिकुलर है। ए डी ये वाली लाइन, मतलब ये ऐसे है ए डी, तो सी एफ ऐसे आके मिली नहीं है भाई साहब, ऐसे आई ना इधर साइड से, वो देखो ये सी एफ ए डी, इसका मतलब ये क्या है? इस पे लंबवत है, मीन्स क्या है? परपेंडिकुलर है। ये इतना आपकी किताब में दिया गया है, ठीक है, इतना किताब में आपकी दिया गया है। आगे देखो आगे क्या कहता है। फालतू बच्चों को भाई ब्लॉक करते जाओ, जितने भी फालतू कमेंट करें इन्हें ब्लॉक करते जाओ, आप लोग देख रहे हो ना क्या करने बैठे हो, हाँ ब्लॉक करो फटाफट। चलो आगे कहता कि यदि ए बी 16 सेंटीमीटर है, ए बी कितना सेंटीमीटर है सभी बताओ, रश्मि कुमारी बताइए, हंसराज आप भी बताइए, ए बी कितना है भैया? ये है ए और बी, कह रहा है ये 16 सेंटीमीटर है, आपकी किताब में कह रहा है, जिससे कह रहा है वैसे कर लो, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। ए ई 8 सेंटीमीटर है, भाई साहब ए ई ये जो लाइन आई है ये कितना है? 8 है, इसको लिख लो कितना, 8 लिख लो, ये कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है मैंने लिख लिया रेड कलर से। कह रहा कि सी एफ 10 सेंटीमीटर है, सी एफ, सी एफ ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है। अभी देखते जाओ क्या क्या दिया है, तो कह रहा कि फिर ए डी बताइए, ए डी बताइए, ए और डी, मतलब हमें इधर वाली लाइन निकालना है। भाई साहब ये बहुत सिंपल सा है, इसमें देखो दो चीज है, दो क्या है, इसमें दो त्रिभुज बने हैं, आपको दिख रहे हैं ना, एक समांतर चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज बने हैं, बने हैं ना, हाँ बने हैं ना। तो ध्यान से देखो, हमें इसमें दो तरह का क्षेत्रफल भी निकालना चाहिए, मतलब दो प्रकार से हम इस समांतर चतुर्भुज का त्रिभुज वो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप लोगों को मैंने शायद वो नहीं बताया था क्या, इंट्रोडक्शन, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हो? फार्मूला चाहे तो लिख लो, फिर जब एक तरफ से पढ़ाएंगे 1 जुलाई से तो उसमें सब डिटेल में करवा देंगे, अभी भी समझा रहा हूँ, केवल इंट्रोडक्शन नहीं करवाया हूँ बस। चलो लिखो क्या बोलते हैं वो, फार्मूला लिख लो चाहे तो। देखो यहाँ पर पहले समझो, अगर हम इसको इसके साथ में लेकर के चलें, जब ए डी, ए डी नहीं मतलब सी डी, इसको आधार माने, समझ रहे हो, जब हम सी और डी को आधार माने तो इस पे लंबवत कौन है? ए ई है ना, ए ई है ना। तो लिखो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, लिखो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा जानते हो? जब हम सी डी को आधार मानेंगे तो भैया हो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आधार गुणे परपेंडिकुलर हाइट होता है, हाँ मतलब लंबवत ऊंचाई होती है, तो आधार सी डी है और इस पर जो लंबवत ऊंचाई है ए ई है, तो लिखो सी डी इंटू ए ई, बोलो इतना ठीक है ना? इसमें किसी को कोई समस्या? मस्ती चैनल आ रहा समझ में बच्चा, हाँ सोनिया राय सबको आ रहा है ना, इतना समझ में आया? सी डी इंटू ए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया ऑफ परपेंडिकुलर, ओ सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होता है, वो मैंने कर लिया। लेकिन इसमें एक चीज और है, वो क्या है? अगर हम ए डी को बेस माने, ए डी को बेस माने, तब हमारी परपेंडिकुलर हाइट सी एफ है, बोलो है ना? तो हम दोनों कंडीशन यहाँ पर रखेंगे तभी हमें ए डी का मान आएगा, क्योंकि ए डी तो इधर साइड दिया है,
अगर हम सीडी को बेस मान के ऐसे रख दें तब तो इसमें एडी शामिल ही नहीं हो रहा है, हमें एडी का मान निकालना है, इसलिए हमें एडी को भी क्या करना पड़ेगा, इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो जब हम एडी को बेस मानेंगे तब हमारा बेस एडी हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा, ध्यान दो, दोनों बराबर कर देंगे, एडी इंटू ये सी एफ, एडी इंटू क्या हो जाएगा, सी एफ। समझ में आया? हाँ देखो, समझ में तब आएगा बच्चा जब बिल्कुल दिल लगा के ईमानदारी से समझोगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा समझने वाला चैप्टर नहीं है। बात समझ में आई ना, ये आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ है ये, बहुत दिमाग जो लगा के पढ़ेंगे बच्चे उन्हीं को आएगा, बाकी पल लेना पड़ेगा, 1 जुलाई से शुरू से पढ़ना। चलो आगे देखो, ये हो गया, अब हमें क्या क्या दिया है, देखो सी डी, भाई कोई बताएगा सी डी कितना होगा, कोई बताएगा सी डी कितना होगा? देखो मैंने 8वें चैप्टर में भी पढ़ाया था, ऐसी बात नहीं, इससे संबंधित अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होता ना तो सब हो जाता, समांतर चतुर्भुज 8वें चैप्टर में भी पढ़ाया था। हाँ पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। हेलो पूजा कैसी हो, मोहित तुम कहाँ से हो, हाँ तो यही करो बाकी कुछ ना करो। चलो बच्चा, अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, होती हैं कि नहीं? अरे गधों, जब अगर कोई चतुर्भुज ऐसे समांतर होता है, मान लो एक आयत ही ले लो, तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती कि नहीं? होती है ना, होती ना, तो समझ गए ना ये क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी ना, आमने सामने की। अरे इडियट, जब ये 16 होगी तो ये भी क्या होगी, 16 होगी कि नहीं, होगी ना। देखो अब तुम लोग ऐसे नहीं समझने वाले, गुस्सा लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, समझ गए ना, यानी ये भी क्या होगी, 16 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि सम्मुख भुजा है। सबको बात समझ में आई ना? बीनू सिंह थोड़ा वीडियो पीछे करके देखो बच्चा, मनोज यादव, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सी डी कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर, इनके मान रख दो ला करके फटाफट, सी डी 16 सेंटीमीटर। ए ई कितना दिया है, कोई बताएगा? ए ई, अरे ये पूछ रहा हूँ, ए ई, ए ई कितना दिया है, सौरव कुमार, चांदनी, श्याम जी दुबे, मनीष अंशु, अरे फिर नहीं बोल रहा कौनो, कितना दिया है ए ई? देखो हम लिख दें, छाप दें और तुम जल्दी जल्दी उतार लो ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ देखो ए ई, ए ई दिया है ना, 8 सेंटीमीटर है, तुम्हारी किताब में दिया है, क्वेश्चन पढ़ लो, किताब में दिया ना ए ई, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबसे पहले अंशु ने बताया, ठीक है अंशु जी, बहुत अच्छे। चलो ये कितना दिया है बच्चा, 8 सेंटीमीटर दिया बाबू, ठीक है। ए डी, ए डी तो हमें पता ही नहीं क्योंकि यही निकालना था, इंटू सी एफ कितना दिया है, कोई बताए सी एफ कितना दिया है, किताब में देख लो आँख फैला के, सी एफ दिया है कहीं, खोजो, सी एफ दिया है ना, सी एफ या एफ सी मतलब वही हुआ, 10 सेंटीमीटर दिया गधों, तो यहाँ से निकाल लो 16 × 8/10 = AD। अब हल करना तो तुम जानते ही हो, इतना तो गधा हो नहीं, 2 से काट दो, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, ये नीचे दिख रहा है, ये 8 × 8 हो जाएगा 64/5 = AD। इसको हल करके कौनो उत्तर बता पाएगा, हिंदी स्टेटस वीडियो, विशाल सिंह, बच्चा ये बताओ तुम्हारा नाम राज विशाल सिंह ऐसा क्यों है, हाँ दो नाम मिला के क्यों बनवाए हो, एक नाम से नहीं काम चल रहा था, राज सिंह या विशाल सिंह, हाँ राज विशाल दुबे सिंह सब मिला लो, एक खिचड़ी कर लो, आया समझ में? एडी का मान कोई बताएगा फाइनल हल करके? अरे भाई साहब दशमलव में बदलना नहीं जानते हो तुम, यहाँ से इसको एडी हल कर लो तो एडी बराबर आएगा 12 दशमलव समथिंग आएगा, अरे 48 हो जाएगा, 12 दशमलव कितना आएगा, 5 या 8 तक आएगा, 12.8 सेंटीमीटर आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे ये भी नहीं समझ में आया कैसे आया, हाँ नहीं समझ में आया कैसे आया, हाँ ये भी नहीं आया, अरे भाई साहब इसी को तो मैंने किया था, ये देख लो इतने बड़े गधे हो तुम लोग, मुझे नहीं पता था, ये 64 में 5 से भाग करो, 5 × 5 = 1 आया, ऊपर से 4 उतार लिया, सारी स्याही बह गई इसकी, 12.8, बहुत अच्छे। अंशु मिश्रा बहुत अच्छे, वेरी गुड, अंशु जी का कमेंट सबसे पहले आ रहा है, श्याम जी भी दूसरे नंबर पे लगे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है।
तो ये घटा लिया तो अब कितना जाएगा, 5 × 2 = 10, घटा लो बच्चा 4 आएगा, ऊपर दशमलव बढ़ा के 0 उतार लो, 5 × 8 = 40, हाँ 12.8 सेंटीमीटर आएगा। यानी हमारा जो AD था, ये भुजा AD, ये AD मिल गई, कितना मिल गई बच्चवा, 12.8 मिल गई, कितना मिल गई 12.8। देख लो पूरा, उतार लो, छाप लो। EFG और H कह रहा कि क्रमशः समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ ठीक है। ABCD के मध्य बिंदु हैं, मीन्स मिड पॉइंट है, तो दर्शाइए, दर्शाइए मीन्स एक प्रकार से प्रूव कीजिए या सिद्ध कीजिए कि AR मीन्स होता है यहाँ पे एरिया है, ये उसका सिंबल बना है। EFGH इक्वल हाफ AR ABCD है। जब आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा 9 चैप्टर का, उसमें स्टार्टिंग में आपको समझाया गया था, अगर नहीं देखे हो तो आप कमेंट करके बताना, क्लास एंड हो जाएगी तब, अभी नहीं तो आपको दे दिया जाएगा। उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई इस तरह से चतुर्भुज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर कोई इस तरह से चतुर्भुज है, मतलब पैरेललोग्राम है, और इसके अंदर में अगर कोई त्रिभुज बनता है, ट्राइंगल बनता है, जो कि इसको ऐसे कनेक्ट करता है, आप इधर से समझो, मतलब नीचे बेस दोनों का एक ही होगा। देखो ये चतुर्भुज का भी बेस है, यानी पैरेललोग्राम का भी बेस है, जिसका नाम मान लो AB रख दिया, और जो ट्राइंगल आपका बना है, जिसे AP भी बोल सकते हो, इसका भी बेस क्या है, AB ही है। अगर ऐसी स्थिति कहीं होती है प्यारे साथियों, तो वहाँ पे क्या होता है, ये परिमेय लागू होती या सूत्र लागू होता, जो भी तुम समझ लो, ये इसका मतलब क्या होता जानते हो, यहाँ पे पूरी बात नहीं लिखी गई है, इधर पहले समझ लो, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे समझो पहले, वो पूरा नहीं सिद्ध हो रहा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ समझो। जैसे अगर हम यहाँ कहें कि एरिया ऑफ या फिर त्रिभुज APB का क्षेत्रफल, मतलब समझ रहे हो, त्रिभुज APB का जो क्षेत्रफल है साथियों, वो किसके बराबर होगा पता है, हाफ, और इसका नाम पूरा कर लो CD, हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल ABCD, ये परिमेय है, इसको याद रखना, समझ रहे हो ना, इसमें वो पूरा लागू नहीं हो रहा है, इसमें मुझे लग रहा है ये पूरा है भी नहीं, हाँ इतना ही है, तो ये कुछ अलग है, जो हम बताना चाहते थे वो इसमें नहीं है, ये है, इसको याद रखना, हर जगह मोड़ मोड़ पे काम लगेगा। अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि कोई भी चतुर्भुज दिया गया है, पैरेललोग्राम दिया गया है, उसके अंदर में कोई त्रिभुज बन रहा है, जो कि बेस कॉमन है, मतलब चतुर्भुज और उस त्रिभुज दोनों का आधार यानी बेस कॉमन होना चाहिए, समझ रहे हो, और ऊपर भी वो कनेक्ट होना चाहिए, तो क्या होगा, ये फार्मूला उसमें अप्लाई होगा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसमें वो 1/2 × समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने लायक है, दिल से समझोगे ईमानदारी से तभी समझ में आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, कमेंट के पीछे ना पढ़ो कि हम सबका नाम बोलें, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करें, फिर पढ़ाई नहीं होने वाली, सीरियसली पढ़ोगे तब, ये चैप्टर जो है सीरियस पढ़ने वाला है, हवा नहीं है, खेल नहीं है ये, हाँ चलो देखो, हाँ इसमें समझने वाला ये है कि अगर ये फिगर ऐसे बने, यहाँ पे ना कनेक्ट हो ये त्रिभुज, और यहाँ से निकल करके ये ऐसे कहीं आए और यहाँ पे ऐसे बीच में मिल जाए, तब फिर ये फार्मूला लागू नहीं होगा, फिर इस नियम के खिलाफ हो गया वो, बात समझ रहे हो ना, मतलब वहाँ पे कनेक्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें एक स्थिति और भी हो सकती है, अगर कहीं ऐसा मिलता है तो याद रखना, अगर आपने एक्सरसाइज 9.1 देखा है तो उसमें ये था क्वेश्चन इस टाइप का, कई क्वेश्चन मैंने करवाए थे, तो प्यारे बच्चों अगर इसमें ऐसे बने, ये ऐसे बने ऐसे, तब भी ये लागू नहीं होगा। अब कहोगे तब काहे नहीं लागू होगा, जब नीचे वो कनेक्ट करता है ऊपर वो करता है तो काहे नहीं लागू होगा, भैया बाबू राजा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका एरिया इतने तक है भाई, त्रिभुज वाला एरिया सिर्फ इतना बीच ही तक है ना, लेकिन चतुर्भुजवा का कहाँ तक है, यहाँ से शुरू होकर ससुरा यहाँ तक गया है, समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक है, यानी अगर ये कुल मिला के 5 है तो ये तो 3 हो रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में ये लागू नहीं होगा, समझ गए, ये कॉन्सेप्ट था जो कि आपको सबसे पहले बताया गया था, मैंने थोड़ा सा रिवाइज कराया, अब इसे पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी जाना नहीं है, अगर सीखना है प्यार से पढ़ना है 9th में
अच्छा खासा नंबर लाना है, पास होना है। बाकी अगर सोचे हो कि चलो लाइव देखाते हैं यूट्यूब पे, हाँ लाइव में मजा ले आते हैं, तो फिर ये तुम्हारे काम का क्लास नहीं है। चलो अब क्या करना है, जो करना है उस पर देखते हैं। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया था ना एक बार। हाँ, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज था जिसके मध्य बिंदु थे ई एफ जी एच, ये दिया गया था। इसमें एक रेखा मैंने इसको अपने से खींचा है, आपको जो अभी अभी मैंने बताया वो चीज़ सिद्ध कराने के लिए, जिससे कि आसानी से ये आ जाए। हमें ये दिखाना है कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच, यानी जो ये मध्य बिंदु के सहारे एक बीच में पैरेललोग्राम बन रहा है, इसका जो एरिया है साथियों वो टोटल बड़ के वाले जो चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है उसके एरिया के 1/2 के बराबर होगा, ये हमें दिखाना है। चलो लिखो, इन पैरेललोग्राम ए वी एफ एच, ए बी एफ एच, मतलब समझो मैं रेड कलर में भी लिख देता हूँ। रेड कलर कहाँ गया भाई, थोड़ा सा रुक जा भाई, रेड कलर में दिखा देता हूँ। अब हम किस में चलेंगे, इसको इसको ले रहे हैं, ध्यान देना। इन त्रिभुज वो सॉरी पैरेललोग्राम ए वी एफ एच, जहाँ जहाँ मैं रेड कलर में बिंदी रखा हूँ इतना ही लेना है। तो चलो आगे लिखो, ऊपर लिखो भाई, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे। हाँ, समांतर चतुर्भुज ए बी एफ एच में, हिंदी में लिख लो, समांतर चतुर्भुज ए बी एफ एच में इन पैरेललोग्राम ए बी एफ एच। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, हिंदी वाले हिंदी में लिख ले, मैंने बता दिया। इसमें क्या होगा, अब ध्यान से समझो, जैसे अभी मैं इधर जो वजाही कर रहा था आधा घंटा, वही इसमें लगेगा। इसमें अगर तुम ध्यान दो तो नीचे वाला अगर छुपा दो तो ऊपर जो बन रहा है ए एच और वी एफ वो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, उसके अंदर एक त्रिभुज भी बन रहा है, वैसे कोना जैसे अभी बताया था, बन रहा है ना भैया। तो इसमें अगर हम वही रूल लगाएंगे जो अभी मैंने बताया था तो क्या होगा भाई, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बाबू वो 1/2 और चतुर्भुज के जो पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो चलो लिखो, एरिया ऑफ एच ई एफ, लिखो एरिया ऑफ ई एच एफ, या फिर एच ई एफ लिखो, मतलब वही हुआ एच ई एफ इक्वल। जो हिंदी वाले कंफ्यूज हो रहे हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, तुम ऐसे लिखो ना, त्रिभुज एच ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज एच ई एफ का क्षेत्रफल बराबर लिखो 1/2 एरिया ऑफ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, 1/2 एरिया ऑफ, क्या करोगे भैया पूरा वाला ए बी एफ एच। ओके, ए बी एफ एच, ये ठीक है, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग सेटलमेंट हो गया। ये एफ एच है, ध्यान देना इधर कट नहीं रहा है, ये लो ठीक है। ओके भाई चुप हो जा भाई, चलो इतना हो गया, लिखो इतना, साथ साथ में नोट डाउन करते रहो क्योंकि बोर्ड 8 ही फिट का है, मिटाना भी पड़ सकता है। चलो लिखो, मैं हट जाता हूँ, हो गया। अब प्यारे बच्चों ये देखो, हमें जो करना है वो तो हमें दिख ही रहा है, ये तो मैंने जितना रेड किया था उतना कर लिया, लेकिन अब इसी प्रकार हम नीचे भी चलेंगे। नीचे कहाँ चलेंगे, देखो हमारी रेड लाइनें बदल रही हैं, अब यहाँ मिट गया, अब हम यहाँ लेंगे, ध्यान देना, ये एफ एच सी डी, ठीक है, एफ एच सी डी, मतलब इतने में अब हम जो कुछ करेंगे करेंगे। तो लिखो इसी प्रकार, लिख लो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ लिखूँगा नहीं, लिखो इन पैरेललोग्राम, इसका एक चिन्ह भी होता है पैरेललोग्राम का, मैं अभी बनाऊँगा लेकिन आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। लिखो, क्या लिखूँ, एच से शुरू करूँ, कहीं से भी पढ़ लो, देखो इसका नाम लिखना है, चाहे तो तुम यहाँ सी से शुरू करो, चाहे एच से, चाहे एफ से, चाहे डी से, तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं, सी डी लिखो, इन पैरेललोग्राम सी डी एच एफ, सी डी एच एफ, सी डी एच एफ, भैया जैसे इसमें ए बी एफ एच हुआ था, ए बी एफ एच हुआ था, वैसे इसमें सी डी एच एफ, ठीक है।
अब सारी कहानी इसमें लागू होगी, जैसे इधर ही करे थे तुम उसमें वैसे इसमें भी होगा। तो इसमें ट्राइंगलवा कहाँ गा भाई, ये एच एफ जी लिखो, एरिया ऑफ एच जी एफ या फिर तुम जी एच एफ कुछ भी लिखो, कुल मिला के ये तीनों नाम आना चाहिए बस, ठीक है। लिखो इसी तरह एरिया ऑफ एच जी एफ इक्वल एरिया ऑफ एच जी एफ इक्वल हाफ एरिया ऑफ, पूरा चतुर्भुज का नाम लिख दो, सी डी एच एफ, ठीक है, सी डी एच एफ। तो प्यारे बच्चों आप इनको इक्वेशन नंबर डालते चलो, ठीक है। हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे, त्रिभुज एच जी एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज, सॉरी 1/2 चतुर्भुज सी डी एच एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपका ये इक्वेशन नंबर जो पूरा टोटल था ये फर्स्ट हो गया था भाई, और बाबू ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। बहुत प्यार से देखोगे समझ में आएगा, देखोगे लेकिन प्यार से, तब मैं सामने से डोलता रहता हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो बीच बीच में। चलो इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब इन्हीं दोनों जो हमारे समीकरण आए हैं इक्वेशन, इनको जोड़ देंगे पटक के, और जैसे जोड़ेंगे ना वैसे खट से उत्तर आ जाएगा चिल्ला के। चलो देखो कैसे, यहाँ लिखो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, हिंदी मीडियम वाले लिख लें समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ यहाँ पे देखो, इसमें एच जी एफ है, इसमें एच ई एफ है, हमें लाना क्या है, ई एफ जी ये चलाना है। भैया हो बाबू हो पहले ही आओ, सब लोग आओ आओ जल्दी आओ, क्या है एच ई एफ ना, देखो एच ई एफ, और इसमें क्या है एच जी एफ, यानी कि इधर थोड़ा देखो मैं इसका ऑपरेशन करने वाला हूँ, तुम यहाँ समझो ध्यान से, ये समझो, ये कहानी समझो, इसका नाम है एच ई एफ, हाँ ठीक है ओके, और ये मैंने इसका नाम लिखा एच ई एफ, और निचका वाले का है एच जी एफ। चल भाई आजा बेटा, तुम भी आजा, इसका नाम मैं इसमें लिखूँगा, लेकिन मैं अगर कुछ और कर दूँ तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये लो ठीक है, नीचे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, काहे इतना बड़ा टंगरी फैलाए, ये भाई थोड़ा कम पैर फैला, चल इधर आ, सकेते में सम ध्यान ना कर, चल ठीक है समझ में आया। अरे थोड़ा सा पिचक गया, जगह कम थी, नहीं तो सीधा सीधा यही बन रहा है पूरा ना, बन रहा है ना, क्या बन रहा है एच एफ जी ई, चाहे तो ये बड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है, यहाँ से शुरू करो जी एफ एच जी, ओ सॉरी ई एफ जी एच, अरे जो ये है वही मेरा मतलब मिलाने का था, हो रहा है कि नहीं, ई एफ जी एच हो रहा है ना, ये कुल मिलाकर के कहने का मतलब अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे आधा आधा तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि फाइनल में हमारा वही आ गया जो हमें लाना था, हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो समझने वाले बच्चे हैं वो बड़े प्यार से समझ जाएंगे। देखो बच्चों अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा बाबू ना, जो बहुत ज़्यादा कमेंट किए जा रहे हैं, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, ना पढ़ाऊँ कमेंट ही पढ़ूँ, तुम जीरो लेवल से पढ़ो, बेसिक से अगर नहीं आता तो पहले कॉन्सेप्ट सीखो, PBR स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें बेसिक से मिल जाएगा जीरो लेवल से। चलो ये हो जाएगा अब आपका एरिया ऑफ, इनको दोनों को जोड़ दो सबको, तो ये आपका हो जाएगा ई एफ जी एच इक्वल हाफ, वही पूरा फाइनल में ए बी सी डी, हमें लाना क्या था एक बार क्वेश्चन में देखो, ये यही तो लाना था ना, एरिया ऑफ, ठीक है हो गया, यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो चतुर्भुज ई एफ जी एच का क्षेत्रफल बराबर 1/2 चतुर्भुज ए बी सी डी, ये भी एरिया ऑफ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो गया फाइनल। नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिखोगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि सिद्ध करना था, और हिंदी में लिख देंगे इति सिद्धम, अदाह सिद्ध हुआ, कुछ भी लिख दो, ये हमें लाना था,
देखिए एक ही पेज में आपको पूरा सोल्यूशन दिख रहा है क्वेश्चन के साथ में, मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक इसको बनाया है ना, देख लो। चलो पूरा फाइनल हो रहा, विजिबल हो रहा है, तो आगे बढ़ें। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में हल करने से कोई मतलब है नहीं। जब तक मैं बात बता रहा हूँ नोट करो, स्क्रीन शॉट लो फटाफट, देर मत करो लल्लू लाल, कमेंट करने के चक्कर में पड़े हो। पूजा जी कमेंट आ रहा है तुम्हारा भी, मोहित, शिवानी सिंह भाई सबका नाम नहीं ले सकते यार। हाँ रवि बच्चा तुम्हारा भी कमेंट आ रहा है, राज पटेल तुम्हारा भी आ रहा है, सबका आ रहा है। चलो तो अब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। इस क्वेश्चन को तुम तीन बार कॉपी में अपने लगाओगे, एक बार नहीं तीन बार, तुम दो बार देख के लगाओ, छाप लो देख देख के दो बार कॉपी में, तीसरे पेज में बिना देखे लगाना, देखो आ जाएगा। ठीक है, तो आज का ये सेशन यहीं पे बंद करेंगे, इसके आगे का क्वेश्चन भी देंगे हम आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, और अगली क्लास भी पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और इस सेशन को लाइक जरूर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, पूरा कोर्स यूट्यूब पर आ रहा है आपका, फ्री आ रहा है, सब फ्री आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अगर बेसिक से पढ़ना है, इसके पीछे भी एकदम कक्षा छः का, सात का, पाँच का, तो PVR स्टडी एप्लीकेशन में जाके देखो। डिस्क्रिप्शन में देखो बहुत सारी लिंक दी गई हैं, ऊपर आई बटन में दी गई हैं, इन स्क्रीन में देखो लिंक आ रही है, उस पर क्लिक करो, प्लेलिस्ट में चले जाओ फटाफट।